देखें आंखों से मन की, प्रेम के सारे रूप विसजना। प्रेम चेत की कभी चांदनी, कभी जेठ की धूप विसजना। किसको पता, किसको पता। ये गीत है धड़कन में, हर मोड़ पे जीवन में, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। संभल मेरी प्यारी सहेली, मेरी प्यारी बहन, मेरी बुआ की बेटी रज्जू इस समय मुसीबत में है, उसे मेरी जरूरत है। और समर, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं भी कहां तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। दार्जी साथ चल रहे, अगर तुम्हारी कोई जरूरत पड़ी तो दार्जी तुम्हें फोन करके बुला लेंगे। चलती हूँ। अरे बताने का मौका ही कहां मिला है मंजीते, जब से वहां से फोन आया है रज्जो का और सत्तो का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। ये शादी नहीं होनी चाहिए गुन्ना में। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन एनआरआई दोनों को। ये कुछ एनआरआई बुड्ढे शादी करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं और शादी करके अपनी दुल्हन को वहाँ विदेश में सड़कों पर छोड़ देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं और फिर चल देते हैं दूसरी शादी करने के लिए। यार इस तरह से कुछ ये एनआरआई दूल्हों ने अपना धंधा बना लिया इसे। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ मंजीते। काश गुरनामे में तेरे साथ होता तो मैं खुद चलता तेरे साथ। मंजीते तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ऐसे गंदे लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चल फोन रखता हूँ, मुझे निकलना भी है। और हाँ एक बात सुन, तू वहाँ बिल्कुल फिक्र नहीं करना, अपना ख्याल रखना। चंगा फिर। रब रखा गुरना में, रखता हूं। रब रखा। सत्तो पेन, रज्जू, निम्मी, निक्की, ना मेरी घबरा नहीं, मैं आ गया। अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगा। बुआ जी,
मुझे पता था तू भी जरूर आएगी। रजो को दुखी तू भी नहीं देख सकती। रजो कहाँ है बुआ जी? बाबा जी, मेरी दीदी को बचा लो बाबा जी। घबराओ ना, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा पिताजी। रोए ना तो और क्या करे मामा जी, रज्जू दीदी की शादी वो एनआरआई बुड्ढे के साथ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ पिता, तो अब देख। अब कतारे, ओए कतारे, ओ बेशर्मा किधर छिपके बैठा है, बाहर निकल। बाबू जी घर पे नहीं है मामा जी। और घर पे नहीं है तो किथे गए? तू बता जल्दी मुझे, आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अरे और कतारे, तीन दिनों से घर नहीं आए, बस संदेश आया था कि कल रज्जो की शादी कर रहे हैं उस एनआरए बुड्ढे के साथ। तीन दिनों से घर नहीं आए, बस संदेश आया था कि कल रज्जो की शादी कर रहे हैं उस एनआरए बुड्ढे के साथ। पर रज्जो कहाँ है बुआ जी? यही होगी, सुबह से बस रोई जा रही है, पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची के साथ। मम्मी जी, मामा जी, वो रज्जो दीदी। छेती बोल पुत्र, की होया रज्जो नो? रज्जो दीदी डैम की ओर चली जा रही है। दीदी डैम की ओर चली जा रही है।
कैसे हुए? क्या पागलपन कर रहे थे रज्जू? तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, इसके साथ कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई है। तेरी बहनों की जिंदगी, तेरी माँ की जिंदगी, हम सबकी जिंदगी। अरे पागल, मैं देख नहीं सकती पर मन की आंखों से एहसास कर सकती हूँ कि तू जीना चाहती है। हाँ, मैं जीना चाहती हूँ, मगर अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करके नहीं, घुट घुट के नहीं। इसलिए मुझे मर जाने दो दीदी, मेरा फैसला बिल्कुल सही था, मुझे मरना ही होगा। अपनी जान देना कोई समझदारी की बात नहीं है रज्जो। अरे, दुख और मुसीबतें किसकी जिंदगी में नहीं आती? अगर हर कोई तुम्हारी तरह से सोचने लगे तो सबको अपनी जान देनी पड़ेगी। पर बाबूजी, मेरा ब्याह उस एनराई बुड्ढे से करवा के ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वाहे गुरु पर भरोसा रख, दारजी पर भरोसा रख। दारजी आ गए हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। शराब और जुए में उड़ा चुके हैं, कहां से आएंगे इतने पैसे? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ मम्मी जी। चुप कर, ऐसे ही बकवास किए जा रही है। कुछ नहीं होना मेरी रज्जो को, समझी तू? चुप रहने से क्या होगा मम्मी जी, डांट लो आपको जितना डांटना है। पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना मामा जी। मामा जी है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मामा जी? इसमें मामा जी क्या करेंगे? मामा जी को क्या पता ये बाबूजी ने कितने पैसे लिए उनसे? अरे ये कोई छोटी रकम है क्या? तो क्या वो लोग रज्जो दीदी को अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और कौन से रुपयों के बारे में बात कर रहे थे तुम? 25 लाख रुपए दे रहे। चुप कर, वो है ना बाबूजी ने एनआरआई से 25 लाख। नहीं कि तुझे कहा ना चुप कर। अरे चुप रहने से क्या होगा, आप लोग मुझे साफ साफ बताइए असलियत क्या है, क्योंकि असलियत जाने बगैर दादी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दादी को असलियत का पता होना बहुत जरूरी है। निमो, तू बता असलियत क्या है। सिमरन दीदी, आप तो जानती है ना बाबूजी को शराब और जुए की कितनी बुरी लत है, पर बाबूजी ने अपनी अय्याशियों के लिए उस एनआरआई बुड्ढे से 25 लाख रुपए लिए हैं और वो सारे पैसे उन्होंने शराब और जुए में उड़ा दिए हैं। और आज उन्हीं पैसों के बदले में वो एनआरआई बुड्ढा रज्जू दीदी से ब्याह करना चाहता है। और अगर कल मामा जी ने ये शादी रुकवा भी दी दीदी, तब भी हमें ये पैसे तो लौटा रहे हैं ना, कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? वाहे गुरु ने चाहा तो रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। मैं दारजी से बात करूंगी।